नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy Z Flip 4 5G versus Google Pixel 7 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z Flip 4 5G में 6.5 इंच जबकि Pixel 7 Pro 5G में 6.41 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z Flip 4 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z Flip 4 5G में 2.83 इंच जबकि Pixel 7 Pro 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z Flip 4 5G में 0.27 इंच जबकि Pixel 7 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z Flip 4 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z Flip 4 5G में 187 ग्राम्स जबकि Pixel 7 Pro 5G में 212 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z Flip 4 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z Flip 4 5G में डायनामिक AMOLED जबकि Pixel 7 Pro 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Z Flip 4 5G में 21:9:9 जबकि Pixel 7 Pro 5G में 19:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z Flip 4 5G में 1080x2460 और Pixel 7 Pro 5G में 1440x3120 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z Flip 4 5G में 89.88% जबकि Pixel 7 Pro 5G में 88.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z Flip 4 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Pixel 7 Pro 5G में 513 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z Flip 4 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Pixel 7 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z Flip 4 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Pixel 7 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z Flip 4 5G में Adreno 730 जबकि Pixel 7 Pro 5G में Mali-G 710 MC10 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z Flip 4 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 और Pixel 7 Pro 5G में Google Tensor G2 मिलता है। बात करें RAM की तो Z Flip 4 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है, जबकि Pixel 7 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z Flip 4 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Pixel 7 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z Flip 4 5G में Android V12 जबकि Pixel 7 Pro 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी Z Flip 4 5G में 3700 mAh जबकि Pixel 7 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Z Flip 4 5G में 4 कलर्स जबकि Pixel 7 Pro 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z Flip 4 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 89,999 रुपीज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 94,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Pixel 7 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 84,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy Z Flip 4 5G में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Google Pixel 7 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Pixel 7 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें iQOO 9 Pro 5G है, दूसरा Vivo X80 5G है, तीसरा Xiaomi Mi 12 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 10T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।